नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो की। ओके, सो शुरू करते हैं। मैं अपना टेलीग्राम चैनल दिखाता हूँ और यहाँ पे शुरू करते हैं हमारे आज के इंट्रा ट्रेड से। सो यहाँ पे मैंने मैसेज किया हुआ है, प्राइस एक्शन स्टॉक आपको बताया श्याम मेटेलिक, और वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि इसमें आज हमें इंट्रा ट्रेड करना है, प्राइस एक्शन स्टॉक है हमारा। तो ये मैसेज किया था मैंने 8:41 पे। तो इसका आज हम रीजन देखते हैं कि ये स्टॉक क्यों दिया था मैंने। ओके, सो श्याम मेटेलिक्स। तो टाइम फ्रेम इसमें 5 मिनट का यूज होगा। ओके, तो ये चार्ट है श्याम मेटेलिक्स का और यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखा था। ओके, तो आप यहाँ पे देख ही रहे, एक कंसोलिडेशन हो रहा है स्टॉक में और यहाँ पे स्टॉक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बार बार लेते हुए यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। टाइम फ्रेम आप देख लीजिए 5 मिनट की है और यहाँ पे कल जब क्लोजिंग हुई तो रेजिस्टेंस के पास क्लोजिंग हुई थी। तो यहाँ पे एक आज स्ट्रांग मूव बनता था कि अगर स्टॉक इसको ब्रेक करता है ये रेजिस्टेंस लेवल, तो हमें ऊपर के लेवल देखने मिल सकते थे, और जैसे कि प्रिडिक्ट किया था वैसे ही स्टॉक ने अच्छे लेवल्स आज बनाए हुए हैं। ओके, सो हम देख सकते हैं स्टॉक जो है वो ओपन हुआ था आज 430 रुपये पे और इसने हाई बनाया 435 रुपये का। सो 30 से लेके 35 तक 5 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट इसमें मिल गया। बस ऐसे टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, एग्जैक्ट टाइम पे एंट्री लेनी होती है। सो जब आप सही टाइम पे एंट्री लेते हो तभी आप प्रॉफिट बनाते हो, वरना आपका अगर एंट्री पॉइंट मिस हो गया तो आप ट्रेड को इग्नोर करो। ओके, सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्टिव लाइव मार्केट में आपको वहां पे एक्टिव रहना होगा और तभी आप ट्रेड कर सकते हो। फिर आपने बाद में देखा कि स्टॉक नीचे गया, प्रॉफिट बुकिंग हुई, लोगों ने सेल किया तो स्टॉक नीचे आ गया और पहले के हमारे जो रेजिस्टेंस लेवल थे वही पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। ओके, फिर अगेन स्टॉक थोड़ा बहुत ऊपर गया, फिर अगेन जो रेजिस्टेंस था वही सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है और स्टॉक यहाँ पे चला गया। ओके, तो ये रीजन था श्याम मेटेलिक का प्राइस एक्शन स्टॉक देने के पीछे का। तो आज ये मैंने एक्सप्लेन किया, तो अब बात करते हैं बाकी के स्टॉक की। ओके, तो यहाँ पे बोला है कि कोटक बैंक में प्रॉफिट बुक करो अपना। तो कोटक बैंक कब दिया था, तो 2 अगस्त को दिया था। यहाँ पे न्यू स्विंग ट्रेड करके कोटक बैंक बाय करने को कहा था 1665 रुपीज़ पर और करंट मार्केट प्राइस पर। देन टारगेट भी दिए थे और 2 दिन में टारगेट भी हिट हो गया और टारगेट से बहुत ऊपर भी गया था स्टॉक। कोटक बैंक एक बार देख लेते हैं। टाइम फ्रेम इसकी चेंज करनी पड़ेगी। ओके, तो ये कोटक बैंक का चार्ट है और यहाँ पे मैंने बताया था कि बाय करो, तो कौन सी लेवल दी थी मैंने, 1665 की। ओके, यहाँ पे लेवल थी और यहाँ पे मैंने बाय करने के लिए कहा था 2 अगस्त को कहा था, ये 28 जुलाई का है तो सामने लेना पड़ेगा। हाँ, तो 2 अगस्त को मैंने बोला था कि यहाँ पे इस लेवल तक आप बाय कर सकते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक ने नीचे दी, आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ की तरफ यहाँ पे। ओके, सो क्लोजिंग थी जो थी 2 अगस्त को वो हुई 1665 पर ही हुई, देन हाई भी बनाया था 1677 का। देन कल का दिन, ट्रेडिंग दिन और आज का ट्रेडिंग दिन, और आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने एक अच्छा सा 1749 रुपीज़ पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी। सो हमारे सभी टारगेट अचीव हो गए जो हमने 2 टारगेट बताए थे, 1720 तक बताए थे। देन अगेन जो स्टॉक है बहुत ऊपर तक चला गया और एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया। तो अच्छा प्रॉफिट मतलब कितना, तो 75 रुपीज़ हमने बुक किए पर शेयर। तो ये यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि 75 रुपीज़ पर शेयर है, तो डिपेंड करता है आपके पास कितने पैसे, आप कितने शेयर अफोर्ड कर सकते हो, और जितने नंबर ऑफ शेयर होंगे उतना आपको प्रॉफिट होगा। सो एक शेयर लेते हो 1665 रुपये का प्राइस था तो आपको 1665 पे 75 रुपीज़ का प्रॉफिट, अगर आप 10 लेते तो 750 रुपीज़ का प्रॉफिट, और 100 लेते तो 7500 रुपीज़ का प्रॉफिट। सो टोटली आप पे डिपेंड करते हैं, आपके पैसे पे डिपेंड करता है और आपकी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है कि मैं इतने शेयर लूंगा तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। बट अगर शेयर आपके पास 100 100 शेयर है
और स्टॉक 1 रुपया भी नीचे आता है तो आपको 100 रुपये लॉस भी हो जाएगा। सो ये सब सोच के, दिमाग में बातें रख के आप भी आपके नंबर ऑफ शेयर्स डिसाइड करो और वहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। सो ये चैनल है टेलीग्राम का चैनल और यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो आज ज़्यादा कुछ नहीं था, एक श्याम मेटलिक का सुबह सुबह ही बताया था बिफोर मार्केट ओपनिंग, देन एक सजेशन दिया है कि कोटक बैंक अगर ये लेवल पे टिका रहता है तो हम इसे होल्ड करेंगे एक हायर टारगेट के लिए। अगर कोटक बैंक ये जो सपोर्ट बनेगा, ये जो पुराना रेजिस्टेंस था, अगर इस पर सपोर्ट लिया तो होल्ड करते, अदरवाइज ये जो अगर ब्रेक करता है तो हम सेल कर देंगे। ओके सो इसके साथ साथ बाकी भी कुछ बातें कहनी थी कि जैसे टेलीग्राम चैनल है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो मैं फ्री क्लासेस ले रहा था, 1 मंथ के लाइव कोर्स था हमारा, जहाँ पे हम बेसिक टेक्निकल और फंडामेंटल सभी बातें सिखा रहे थे फ्री में लाइव 1 महीने के लिए, वो हम बंद कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस। देन बाद में कब चालू करेंगे वो भी हम आपको बता देंगे। ओके तो फिलहाल के लिए इतना ही इस वीडियो में। ओके कुछ स्टॉक थे तो उनको हम कल के लेक्चर कल के वीडियो में डिस्कस करते हैं। आज के दिन इतना ही, थैंक यू।